वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल चिल्ड्रन। वीडियो को देखते ही लाइक कर दो। मैं तीन तक काउंट करूंगा, 1, 2, 3। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ठोक दो, मजा आ जाएगा आपको ये अपडेट सुनने के बाद। आप कहोगे सर आपने हमारी सारी की सारी जो टेंशन थी ना वो सारी दूर कर दी, तो मेरे भाई अभी से वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सर ऐसी क्या गुड न्यूज है जिसके लिए आप इतना ज्यादा एक्साइटेड हो? तो चिल्ड्रन गुड न्यूज ये है कि अभी जब सीनियर मीडिया रिपोर्टर ने बात की है एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्री संयम भारद्वाज जी ने से, तो उन्होंने सारा जो मामला है सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दी है और गुड न्यूज रख दी है क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के सामने। आखिर वो गुड न्यूज क्या है? सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वेटेज की। जब संयम भारद्वाज जी से ये बात करी गई कि सर अभी तक CBSE ने ये फाइनल नहीं किया है कि टर्म वन का वेटेज 50-50, टर्म वन टर्म टू का वेटेज 50-50 रहेगा, 30-70 रहेगा, 70-30 रहेगा, क्या रहेगा, तो अभी संयम भारद्वाज जी ने उसका तो कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन जो बच्चों को एक कंफ्यूजन ये सता रही है कि हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा, क्योंकि पिछली दो बार से बच्चे बिना एग्जाम दिए पास हो रहे थे, तो क्या हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं? यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल के आई है। डराने वाली बात, गुजरात अभी दो दिन पहले गुजरात बोर्ड का रिजल्ट निकला है, तो उसमें पहले बताऊं गुजरात बोर्ड से क्यों बच्चे CBSE वाले डर रहे थे गुजरात बोर्ड का रिजल्ट देखने के बाद, क्योंकि ओनली 65% बच्चे गुजरात बोर्ड में पास हुए हैं, दैट मींस केवल 35% बच्चे फेल हैं। 70 लाख बच्चे करीबन एग्जाम में बैठे थे और करीबन 50 लाख बच्चे पास हुए। तो अब आप ये देख लो कि 27 लाख बच्चे गुजरात बोर्ड ने फेल किए हैं इस साल, वो भी तब जब कोरोना चल रहा था। अब CBSE वाले बच्चों को, यानी कि हालांकि मैं सच सच बात बताऊं मैं भी डर गया था स्टार्टिंग में, तो यार ऐसा कैसे होगा अगर गुजरात ने, क्योंकि कोरोना वहां रहा तो इधर भी रहा था, अगर उन्होंने रियायत नहीं दी तो ये भी नहीं है। लेकिन यहां पे संयम भारद्वाज जी ने एक लिस्ट शेयर की है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि CBSE वाले बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, क्लास 10th और क्लास 12th वालों के लिए जो पासिंग परसेंटेज है, और अब तक का जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा चिल्ड्रन, जस्ट अ मिनट, पहले मैं आपको दिखा रहा हूं क्लास 10th का। तो उन्होंने ये कहा है कि देखो 2014 में जो बच्चे पास हुए 98% पॉइंट समथिंग, 2015 में 97, 2016 में 96, 2017 में 93, 2018 में 86, 2019 में 91, 2020 में 91 और 2021 में 99.04% पास हुए थे, वो भी बिना एग्जाम दिए, ठीक है। अब उन्होंने क्यों ऐसा बताया है कि बच्चों के इस बार भी बच्चे हमारे टर्म वन और टर्म टू वाले रूल से जो हम ऐड करेंगे, ठीक है, कैसे पास होने वो बताने वाला हूं इस अपडेट के बाद। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइनअप करना होगा, एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फोटो क्लिक करना है एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकेंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन जब क्या नाम है हमारे सीनियर रिपोर्टर ने संयम भारद्वाज जी से बात की है मीडिया रिपोर्टर ने, तो उन्होंने ये कहा है कि हम जो टर्म वन टर्म टू वाला और इंटरनल असेसमेंट वाला जो फॉर्मूला लेके आए हैं वो लेके ही इसलिए आए हैं कि अगर कोई बच्चा फेल भी हो रहा है तो भी पास हो जाए, क्योंकि अब बच्चे को टर्म वन टर्म टू प्लस इंटरनल असेसमेंट में मिला के 33 मार्क्स लाने बस। इसका मतलब ये है कि आपके 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के हैं 10 नंबर टर्म वन के और 10 नंबर 20 के, कोई भी स्कूल अपने बच्चे को 19 से कम नहीं देगा, यानी कि जो 10 नंबर के जो हुए हैं अगर आपको इधर 9 मिल जाते हैं उधर 9 मिल जाते हैं या इधर 8 मिल जाते हैं उधर 8 मिल जाते हैं तो 16 नंबर तो आपके ये हो गए, ठीक है। अब क्या आप 80 में से 17 नंबर नहीं ला पाओगे? जो क्लास 12th वालों की अगर मैं बात करूं तो जो क्लास 12th वाले बच्चे उनको थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट में अलग अलग पास होना है, इंटरनल असेसमेंट में कोई बच्चा आज तक कभी फेल हुआ नहीं है तो उसकी छोड़ दो।
यह अब मैं तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें दिखा रहा हूँ जो संयम भारद्वाज जी ने सीनियर मीडिया रिपोर्टर को बताया कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने क्लास 10th की लिस्ट दिखा दी, फिर उन्होंने शेयर करी है क्लास 12th की लिस्ट कि भैया तुम हमारा रिकॉर्ड देखो सीबीएसई का, 2015 में 87%, 2016 में 88, 2017 में 82, फिर 88, फिर 88, फिर 92 और फिर 99। तो चिल्ड्रन, अगर मैं आपको एक सजेशन दूं तो जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं लगभग 95-97% रिजल्ट तुम्हारा पास जाएगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि कोई बच्चा फेल हो। अब भाई साहब अगर कोई खाली ही कॉपी छोड़े आया, कुछ करा ही नहीं, तो देखो उसकी तो मैं गारंटी नहीं लेता, उसकी मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और 12th की बात करूं तो 93-95% तक पूरे चांस बन रहे हैं आपके पासिंग रिजल्ट के। लेकिन फिर भी हमें पीछे नहीं हटना है, हमें अपनी मुहिम चालू रखनी है, बिल्कुल मामला ढीला नहीं पड़ना चाहिए। वी वॉन्ट बेस्ट ऑफ ईदर टर्म चिल्ड्रन, केवल तुम्हारे पास यही 10-15 दिन बचे हैं, रिजल्ट आ जाएगा। अगर ढीले पड़े कॉमेंट्स भर दो, वी वॉन्ट बेस्ट ऑफ ईदर टर्म, वी वॉन्ट बेस्ट ऑफ ईदर टर्म। हमें तो भैया ना टर्म 1 के बेस पे ना टर्म 2 के बेस पे, हमें जो हमारा रिजल्ट चाहिए वो हमें चाहिए। अगर हमारे टर्म 1 में बेहतर मार्क्स आए तो उस बेस पे बना दो, और अगर हमारा टर्म 2 में बेहतर मार्क्स आए हैं तो उस बेस पे। अगर मेरी बात से अग्री कर रहे हो तो चिल्ड्रन वीडियो को लाइक कर देना अभी के अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट्स में भर दो, दोस्तों भर दो यार, वी वॉन्ट बेस्ट ऑफ ईदर टर्म। चिल्ड्रन टेलीग्राम लिंक का जो मैंने ग्रुप का जो लिंक है जिसमें हमारे साथ 3,500 से ज़्यादा बॉयज़ एंड गर्ल्स जुड़ चुके हैं, उस ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ज्वाइन मी देयर। बाय बाय।